Good morning, student. Good morning. How are you? Yes. Again, we will start the chapter number system of class 9 mathematics. And yesterday we complete number, type of numbers which you have, I think, go through the videos in proper way and check it properly. Today, the chapter number system, part 2, we will do today first to find the rational number, to find one rational number between 3 and 4, first part, and second 1/2 and 1/3. जरा दोनों में देखिए ध्यान से. अगर आप देखेंगे, इसने पूछा है कि वन रेशनल नंबर, जब भी एक रेशनल नंबर निकालना हो, केवल एक रेशनल नंबर निकालना हो दो रेशनल नंबर के बीच, क्या थ्री रेशनल नंबर है? यस, व्हाई? बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. एक रेशनल नंबर निकालना हो दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मींस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. जो एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? द वन रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वन रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी. ये होता है एवरेज मेथड. तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 3 and 4. तो फर्स्ट पार्ट, थ्री इज ए इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4. तो 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा 4 हो गया, तो एक रेशनल नंबर कैसे निकलेगा? तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल, बोलो ए और बी, मींस 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है. तो व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 3. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/2 ए प्लस बी, ए प्लस बी. तो व्हाट इज ए? 1/2 व्हाट इज ए? ए क्या है? 3 है. प्लस व्हाट इज बी? 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 + 4 = 7. 7/2. दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज 7/2. तो इसे हम वी कैन राइट और इन तरीके से लिखते, 3 और ये 4, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 7/2. दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. एंड नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3. देन रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी. व्हाट इज ए? 1/2 + 1/3. फर्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2. व्हाट इज ए? ए की जगह क्या रखेंगे? 1/2. बी की जगह 1/3 इज इक्वल टू 1/2. व्हाट इज ए? 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 3 और 2, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसका? एलसीएम लिखेंगे. क्या लिखेंगे इसका? एलसीएम. व्हाट इज एलसीएम? 6. एलसीएम दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है. जब भी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, किसी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, तो उनका एलसीएम क्या होगा? उनका प्रोडक्ट होगा. जैसे 3 और 4 है, दोनों का कॉमन फैक्टर इज 1, तो एलसीएम इज 12. 7 और 8 का एलसीएम 56. 2 और 3 का एलसीएम 6. 4 और 3 का 7 और 2 का एलसीएम 14. दोनों को प्रोडक्ट करेंगे. 3 और 4 का एलसीएम 12, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1. एलसीएम 12 आ गया. 7 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1. तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 56. 3 और 2 दोनों का कॉमन फैक्टर 1,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई कर दिया 7 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा, एलसीएम क्या होगा उनका प्रोडक्ट होगा, एलसीएम क्या होगा उनका प्रोडक्ट होगा, तो क्या आएगा 6। उसके बाद क्या करेंगे 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 6 इज डिवाइडेड बाय 2 कितना आया क्वेश्चन 3, 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आ गया 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 3 क्वेश्चन आ गया इनटू में 1 प्लस 6 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या आएगा 1/2, दिस इज योर 1/2, 3 बन जा 3 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन में 6, 3 प्लस 2 5, क्या आ गया 5 अपॉन में 12 आ गया। इट मीन जो 1/2 और 1/3 के बीच में जो रेशो नंबर है तो 1/2 और 1/3 के बीच में रेशो नंबर क्या आ गया 5/12, दिस इज द रेशो नंबर एग्जिस्टिंग बिटवीन 1/2 एंड 1/3, इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। इस कंडीशन में देखेंगे दोनों का न्यूमेरेटर क्या है सेम है, इस कंडीशन में देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों का न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें एक रेशनल नंबर तो चाहे कोई भी है इसे निकालेंगे, अगर मान लो एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसका मेथड देखेंगे। Find n rational number between a and b whose denominator is same. Denominator क्या है? Same. तो उसे हमें denominator same करने की जरूरत है. सीधा multiply both number a and b by कितने rational number निकालने हैं? n निकालने तो n में क्या कर देंगे? 1 add कर देंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ नंबर ए एंड बी बाय एन प्लस वन। जब दो नंबर के बीच में हमें एन रेशनल नंबर निकालने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसे n प्लस 1 से करेंगे, दोनों नंबर को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कैसे देखिए चेक करें। फर्स्ट दिस इज योर सेकंड पार्ट, अब हम देखें फाइंड रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 5 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7, 5 अपॉन में 7, 6 अपॉन में 7 के बीच में रेशनल नंबर निकालने, दिस इज योर ए पार्ट एंड सेकंड पार्ट 7 और 8 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने 6, तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट 6 n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 देन n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो मैंने क्या बोला है n प्लस 1 को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे किसको दोनों नंबर को, किसको दोनों नंबर, तो बोले जरा क्या आएगा 5
upon में 6, 5 upon में 7 is equal to क्या आएगा 5 upon में 7 multiply किससे करेंगे बोलो किससे 7 से multiply 7 से divide 7 से multiply और 7 से divide तो क्या आएगा 7 5 जा 7 5 जा 35 7 7 जा 49 फिर दूसरा नंबर 6 upon में 7 is equal to 6 upon में 7 किससे multiply बोलो 6 upon में 7 किससे multiply करेंगे 7 से multiply 7 से divide 6 7 जा 42 और 7 7 जा 49 तो हमारे पास दो नंबर आ गए 35 upon में 49 which is equal to 5 by 7 and 42 upon में 49 which is equal to 6 by 7 and now we have to find out the 6 rational number between 35 upon में 49 42 upon 49 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो व्हाट वी विल डू कि 35 और 42 के बीच में जितने 6 नंबर है कोई से भी 6 नंबर लिख कोई से भी 6 नंबर लिख दें कैसे करें तो 6 रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 35 एंड 49 नहीं 5 by 7 एंड 6 by 7 आर बोलो क्या आएगा उन्हें 35 के बाद क्या आएगा 36 अपॉन में 49 फिर 37 अपॉन में 49 फिर क्या आएगा 35 और बोलो इसी में बोलो 38 अपॉन में 49 39 अपॉन में 49 40 अपॉन में 49 41 अपॉन में 49 क्या करा हमने फाइंड 6 रेशनल नंबर 5 अपॉन 7 तो सबसे पहले हमने क्या करा n plus 1 n what is n 6 n is 6 तो n plus 1 n plus 1 6 plus 1 which is equal to 7 तो क्या करा 7 से दोनों नंबर को क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 5 अपॉन में 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड क्या आ गया 35 अपॉन में 49 फिर 6 by 7 इसको किससे मल्टीप्लाई किया 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड 42 अपॉन 49 इन दोनों के बीच में आई राइट 6 रेशनल नंबर जो 6 रेशनल नंबर आते थे वो लिख दिए दीज आर द 6 रेशनल नंबर व्हिच एग्जिस्टिंग बिटवीन 5 अपॉन में 7 एंड 6 अपॉन में 7 एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट 7 अपॉन में 7 एंड 8 जरा बताना सेकंड बुक पार्ट तो व्हाट इज सेम है n कितना इसमें नाउ टेल मी व्हाट इज n 7 तो 7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो 7 को किससे मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 1 है तो 7 को 7 अपॉन में 1 तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड 49 अपॉन में 7 फिर क्या आएगा 8 8 अपॉन में 1 इसको क्या कर दिया 8 अपॉन में 1 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड तो क्या आएगा 57 अपॉन में 56 अपॉन में 7 तो डिनोमिनेटर इज सेम डिनोमिनेटर इज सेम डिनोमिनेटर इज सेम डिनोमिनेटर सेम आ गया तो इसका मतलब 49 और 56 49 और 56 के बीच में हमने कितने रेशनल नंबर लिखे हैं 6 तो क्या लिखेंगे 6 रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 8 आर बोलो 49 के बाद क्या आएगा 50 अपॉन में 7 51 अपॉन में 7 52 अपॉन में 7 53 अपॉन में 7 54 अपॉन में 7 55 अपॉन में 7 50 upon में 7, 51 upon में 7, 52 upon में these are the 6 rational number which existing between 7 and 8. 7 और 8 के बीच में हमने 6 rational number निकालने हैं, तो क्या करा वही same, same step is same for this one. तो क्या करा 6 में 1 add कर दिया, 7 आ गया, तो 7 ये लिखा 7 upon में 1, 7 से multiply, 7 से divide, 49 upon में 7, 8, 7 से multiply, 7 से divide, 56 तो 49 और 56 के बीच में 6 rational number लिख दिए
अगर 6 के बदले क्या आता है बाय चांस 8 आता है, क्या आता है 8 आता है, तो n = 8, 8 plus 1 9, 8 plus 1 9, तो 9 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 5 upon 7 is equal to 5 upon 7, 9 से मल्टीप्लाई 9 से 9 डिवाइड जो आएगा 9 से मल्टीप्लाई 9, अगर ये 100 आता है तो 100 plus 1 101 से मल्टीप्लाई 101 से डिवाइड, क्या हम 100 का सकते हैं, क्या हम 300 का सकते हैं, यस वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, तो दिस is a way to find out the n rational number between two given rational number whose denominator is same. Is it clear? कोई doubt किसी को? Next we will move further. Any? अगर मान लो भाई, note कर लीजिए, note it down. Find n rational number, last point, last topic to find out the rational number. अगर दोनों के numerator, denominator दोनों क्या हो अलग अलग हो तो कैसे हम rational number निकालेंगे n rational number. तो सबसे पहला इनके numerator और denominator दोनों अलग अलग हैं. सबसे पहले दो तरीके हैं या तो LCM से या दूसरे. Multiply पहले b को किससे multiply करेंगे d से n plus 1. How much number we find out? n plus n number निकालने कितना number निकालने n we have to find out n number n rational number between a upon में b and c upon में d तो सबसे पहले first b को किससे multiply कर देंगे this LCM need not to do solve by the LCM LCM से भी कर सकते हैं but we are not solving by LCM b को d से multiply करेंगे सबसे पहले फिर जो b को d से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे n plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यार b मल्टीप्लाई d से करा तो LCM सेम कर देंगे फर्स्ट पे के ओ सॉरी डिनोमिनेटर में सेम कर देंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई नो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर by किसे b multiply d into में n plus 1 से b multiply d into में n plus 1 से multiply और divide दोनों कर देंगे is it clear any doubt अब जैसे मान लो for example फिर उसके बाद जो तरीका है उसी तरीके से कर देंगे जी first point to third is your third point to find four rational numbers between 2/3 and 3/4 अगर आप देखो ये 2/3 एंड 3/4 2/3 और 3/4 के बीच में हम रेशनल नंबर निकालो तो कैसे निकालेंगे आंसर देखो 2/3 here is numerator is 2 here is numerator 3 here is denominator 3 Here is denominator 4. दोनों का numerator भी अलग है, दोनों का denominator भी अलग है. तो required number से multiply करें. तो multiply क्या करेंगे बताओ उन्हें? बोलिए. पहले what is b? B क्या है पास? What is b? B is equal to 3. What is d? D is equal to 4. What is n? N is equal to 4. B is equal to 3, D is equal to 4, N is equal to 4. Again, फिर क्या लिखेंगे? Required number to be multiplied and divided. Required number to be multiplied and divided. To
both composite 2 by 3 and 3 by 4. तो क्या बताया तुमने b multiply b into में n plus 1. What is b? तो b multiply d plus into में n plus 1. What is b? 3 multiply d 4 into में n. n कितना है? 4 plus 1. 4 plus 1. 4 plus 1. 4 plus 1 कितना देगा? 5. तो क्या आएगा? 3 multiply 4 into में 5. एन विच इज इक्वल टू क्या आएगा 60 आ गया. क्या आ गया 60 आ गया. अब लिख दीजिए 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 अपॉन में 3 60 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड. इस 60 को कुछ नहीं करना आपने. इस 60 को यू विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस 60. अगर इस 60 से कर दिया कुछ तो बड़ा परेशान कर देगा आपको, जिससे आप परेशान रहोगे और आंसर हो जाएगा. इस 60 को कुछ नहीं करना. अगर ये 3 से ये दोनों में से कोई न्यूमरेटर से कटा तो काट दीजिए, अदरवाइज लिमिट. तो अगर कटा तो काट दीजिए. 3 बन जा 3 3 क्या आएगा बने बोलिए 20. तो क्या आएगा इसको से मल्टीप्लाई बोलिए 40 अपॉन में 60. अब देखोगे बेटे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया. अब वो जीरो से जीरो कट रहा है. नहीं कुछ नहीं कट करना है. अवर मेन पर्पस कुछ नहीं कट करना है. अवर मेन पर्पस इज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. फिर उसके बाद क्या करना है 3 बाई 4 3 बाई 4 3 बाई 4 लिख दिया इंटू में किससे मल्टीप्लाई करें बोलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो लिखा है 60 से मल्टीप्लाई और 60 से इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. तो क्या है इस 60 को वी विल नॉट डू एनीथिंग. इस 60 के साथ कुछ नहीं करेंगे. वी विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस 60. इसके साथ जो 4 आ रहा है क्या वो उन दोनों में से किससे कट रहा है? कट रहा तो काट दे 4 बन जा. ये क्या है 15. तो कितना आ गया 40 5 अपॉन में 60. अब हमारा दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया. वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ गया 60 आ गया. दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया 60 आ गया. जब दोनों का डिनोमिनेटर 60 सेम आ गया तो न्यूमरेटर देखो दोनों में अलग अलग है. इसका न्यूमरेटर 40 है इसका न्यूमरेटर 45 है. तो अब हमारा काम हो गया. क्या करेंगे 40 और 45 के बीच में हम कितना नंबर लिखेंगे 4 नंबर लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा और वो डिनोमिनेटर क्या रहेगा 60 रहेगा. देन द फोर रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में 2 बाई 3 एंड 3 बाई 4 इज इक्वल टू बोलिए क्या आएगा 40 और 45 के बीच में. पहला 41 अपॉन में 60 42 अपॉन में 60 43 अपॉन में 60 44 अपॉन में 60. अब आगे लिखेंगे 45 तो 45 तो आएगा. तो दीज आर द फोर रेशनल नंबर बिटवीन 2 बाई 3 और 3 बाई 4. आपने बेटे आज क्या है रेशनल नंबर निकाले दो रेशनल नंबर के बीच में जिनका डिनोमिनेटर सेम है जिनका न्यूमरेटर सेम है या जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है. तो इसीलिए आप घर में प्रैक्टिस करना कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप नोट करोगे. पहला पॉइंट आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल कोई एग्जांपल तो रही है इसमें पूरी करनी है. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा डेफिनेशन आपको पूरी आनी चाहिए. डेफिनेशन लर्न एंड राइट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. डेफिनेशन दूसरा ये करने के लिए होंगे 3 बाई 4 एंड 4 बाई 5 बी 1 बाई 7 एंड 2 बाई 9 1 बाई 7 2 बाई 9 थर्ड 3 एंड 7 फोर्थ
1/5. ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं एंड कंप्लीट. बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. प्लीज बी कंटिन्यू विद दिस होमवर्क. थैंक यू.